इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले सीताबाइट 50 mg टेबलेट्स के बारे में। सीताबाइट 50 mg टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों का यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या अंग्रेजी मोलिकुल से कंपोजिशन अलग है और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी भी मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, वे टेबलेट्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, वे टेबलेट्स का इस्तेमाल करते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। सीताबाइट 50 mg टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं सीताबाइट 50 mg टेबलेट जो कि हमारे पास 10 गोली का स्ट्रिप है। जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 79 यानी कि 79 रुपये करीब इसकी MRP है। सीताबाइट 50 mg टेबलेट्स को कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है जो कि एक नाम से कंपनी है और बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन भी बनाती है। सीताबाइट 50 mg टेबलेट्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल से कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है सीटाग्लिप्टिन फॉस्फेट 50 mg टेबलेट्स, यानी कि इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है सीटाग्लिप्टिन 50 mg टेबलेट्स। सीताबाइट 50 mg टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के इलाज के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टेबलेट्स ट्रीटमेंट करती है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के इलाज के लिए। सीताबाइट 50 mg टेबलेट्स का डोज और ड्यूरेशन की बात करें तो इसका डोज और ड्यूरेशन आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी और वेट कितना है, और इसका डोज और ड्यूरेशन अपने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल करें यानी कि अपने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करें, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन कर रहे तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि टेबलेट्स का अगर आप ओवर डोज लेते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको खांसी हो सकती है, आपको उल्टी हो सकती है, आपको डायरिया दस्त हो सकती है या फिर आपको वगैरह हो सकता है, तो ये को साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सीताबाइट 50 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डायबिटोलॉजी डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें, अपने मन से ये टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। सीताबाइट 50 mg टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स सीताबाइट 50 mg टेबलेट्स। सीताबाइट 50 mg टेबलेट्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि सीटाग्लिप्टिन फॉस्फेट 50 mg टेबलेट्स वो एक एंटी डायबिटिक्स दवाई है। यह पैंक्रियास से इंसुलिन के स्तर को बढ़ाकर रक्त में शुगर के स्तर को बढ़ाने वाले हार्मोन को कम करके काम करता है। यह फास्टिंग और पोस्ट मील्स शुगर के स्तर को कम करता है। सीताबाइट 50 mg टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर या डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से सीताबाइट 50 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो सीताबाइट 50 mg टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल लीजिए वहाँ पर बताइए। सीताबाइट 50 mg टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।